नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों, अगर आपके पास Xiaomi का Redmi Y2, Redmi 7, Redmi Note 8 या फिर Xiaomi का कौन सा भी डिवाइस है तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों Xiaomi की तरफ से इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर देर से एक लेटेस्ट OTA रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों, इस अपडेट के बाद आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ साथ आपको कुछ चेंज लॉक फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Y2 का डिवाइस है तो Redmi Y2 डिवाइसेस के लिए पर दे सकते 11.0.5.0 का इंडियन ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास Redmi 7 का डिवाइस है तो Redmi 7 डिवाइस के लिए पर दे सकते 11.0.5.0 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड साथ ही दोस्तों, Redmi Note 8 डिवाइस के लिए पर दे सकते 11.0.7.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, सारे डिवाइसेस एंड सारे अपडेट्स के बारे में आज के इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहे ताकि आपके समझ में आपको कौन कौन से चेंज लॉक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, Xiaomi की तरफ से सभी डिवाइसेस के लिए पर दे सकते लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। उनमें से यहाँ पर सबसे पहले दे सकते आज से यहाँ पर Redmi Y2 डिवाइसेस के लिए पर दे सकते 11.0.5.0 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों, 11.0.5.0 का जो अपडेट यहाँ पर एंड्रॉइड 5 बेस अपडेट है, 358 MB उसका साइज है। और दोस्तों, अगर आपको अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिले तो पर थोड़े दिन का वेट कीजिए, क्योंकि पर दे सकते पार्शियल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों, काफी सारे लोगों को लगता है कि यार अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, पर ऐसी कुछ बात नहीं है। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको काफी सारे चेंज लॉक फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाकर रखा है। अगर आपको सारे चेंज लॉक फीचर्स देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो वाले लिंक को यहाँ पर विजिट करके सारे चेंज लॉक फीचर भी देख सकते हैं। एंड इन सारे डिवाइसेस के ऊपर देख सकते लेटेस्ट OTA अपडेट को यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद आपको लेटेस्ट मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे Redmi 7 डिवाइस के बारे में। तो Redmi 7 डिवाइस के ऊपर देख सकते 11.0.5.0 का स्टेबल अपडेट यहाँ पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। लेटेस्ट मार्च का वो सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही दोस्तों, काफी सारे आपको चेंज लॉक फीचर भी देखने को मिल जाता है। एंड Redmi Y2, Redmi 7 या फिर Redmi Note 8 का आपको यहाँ पर कंप्लीट फुल रिव्यू का वीडियो चाहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं बहुत ही जल्दी इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर लेटेस्ट चेंज लॉक फीचर्स का आपको एक रिव्यू का वीडियो भी बहुत ही जल्दी दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे Redmi Note 8 डिवाइस के बारे में। तो दोस्तों, Redmi Note 8 डिवाइस के ऊपर देख सकते 11.0.7.0 का एक आपको ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों, इस अपडेट के बाद काफी सारे आपको चेंज लॉक फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले से बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो सारे के सारे चेंज लॉक फीचर भी दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल के यूज करते हैं, मतलब कि ग्लोबल स्टेबल के रॉम यूज करते हैं Redmi Note 8 में, तो जरूर सिस्टम अपडेट को चेक कर लीजिए, क्योंकि ग्लोबल स्टेबल का लेटेस्ट OTA अपडेट जो कि 11.0.7.0 का स्टेबल अपडेट Redmi Note 8 डिवाइस के ऊपर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही दोस्तों, अगर यहाँ पर इंडियन स्टेबल रॉम यूज करते हैं Redmi Note 8 डिवाइस में, तो इंडियन स्टेबल अपडेट के ऊपर बहुत ही जल्दी 11.0.4.0 का एक लेटेस्ट OTA अपडेट पर नेक्स्ट महीने से पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस अपडेट का पूरा कंप्लीट चेंज लॉग रिव्यू, मतलब कि फीचर्स का वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं बहुत ही जल्दी सारे डिवाइसेस के ऊपर एक लेटेस्ट चेंज लॉग फीचर्स का वीडियो आपको बहुत ही जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसे Redmi Y2, Redmi 7 एंड Redmi Note 8 डिवाइस के बारे में बात करने वाला था, मतलब कि लेटेस्ट OTA अपडेट यहां पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, इनके बारे में बात करने वाला था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।